వినూత్నమైన ఆలోచనకు వేదికైంది ఆధునిపట్నంలోని దావతే ఇస్లామీ మద్రసా. ప్రైవేట్ కార్పొరేట్ పాఠశాలకు ధీటుగా అద్భుతమైన సైన్స్ క్వేర్ ప్రదర్శన నిర్వహించారు ఆధుని దావతే ఇస్లామీ మద్రసా విద్యార్థులు. స్థానిక ఇంటర్నేషనల్ ఫంక్షన్ హాల్లో నిర్వహించిన సైన్స్ క్వేర్లో 25కి పైగా ప్రాజెక్టులను అద్భుతమైన రీతిలో తయారు చేసి ఔరా అనిపించుకున్నారు. మద్రాసే విద్యార్థులు తాము ఏర్పాటు చేసిన సైన్స్ ఎక్స్పోలో ప్రతిభతో అందరినీ ఆకట్టుకున్నారు. విద్యార్థుల సైన్స్ ఎక్స్పో చూసేందుకు పట్టణంలోని ప్రజలు, ప్రముఖులు, మత పెద్దలు తరలివచ్చారు. ఈ సందర్భంగా మద్రాసే నిర్వాహకులు మాట్లాడుతూ విద్యార్థుల్లో నైపుణ్యాన్ని వెలికితీసేందుకు ఇలాంటి కార్యక్రమాలు తోడ్పడతాయని తెలియజేశారు. బడా కార్పొరేట్ స్కూళ్లకు ఏమాత్రం తీసుకోకుండా ఇంత భారీ స్థాయిలో విద్యార్థులను ఇలాంటి ప్రదర్శన చేసే విధంగా తీర్చిదిద్దుతున్న మద్రాసే యాజమాన్యం మరియు ఉపాధ్యాయులను విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు అభినందించారు. రాబోయే రోజుల్లో ఇలాంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తామని వారు పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు, మత పెద్దలు పాల్గొన్నారు. आज ये प्रोजेक्ट बनाने का मकसद था कि फिल्टर फैक्ट्री, तो इसमें क्या बनाए हमारे तलबाई इकराम ने एक ऐसी फैक्ट्री बनाए है जो कि फैक्ट्री में इसका केमिकल जो है पोल्यूट क्रिएट कर रहा, जो भी केमिकल जो वेस्ट होता है वो हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें ऐसे ही डंप कर रहे हैं. उसके वजह से जो है ये केमिकल का जो भी पानी है आप यहाँ पे देख सकते हैं, केमिकल का पानी जो है ऐसे ही डंप करते हैं इसमें कैनाल्स के द्वारा. कहीं पे भी जाके क्या हो रहा है, किसानों के किसान खराब कर रहा है और ऐसे इसमें जो बैक्टीरिया पैदा होकर इंसानों के लिए खतरनाक डिसीजेस भी क्रिएट हो रहे हैं. तो हम लोग क्या करें इसके एक साइड में प्यूरिफाई करने के लिए प्यूरिफायर के लिए फैक्ट्री प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर. तो इसको क्या करने वाले हैं हम लोग, इसका जो केमिकल का जो पॉल्यूटेड वाटर जो है इसमें लाकर इसमें पोल्यूशन को हटाकर एक नॉर्मल वाटर में कन्वर्ट करती है फैक्ट्री. तो इसको जो है अब हम लोग डेली यूज में ले सकते हैं और इसको कहीं पे भी हम लोग आसानी से डंप कर सकते हैं. ओके जी, तो हमारे तलबाए किराम जो है मोहम्मद शेख हाजी, इन्होंने इस इमारत में जो है फर्स्ट प्राइज हासिल किए हैं. अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, ये दावत इस्लामी के जामियतुल मदीना का ये नुमाया काम है, खुसूसन जामिया आधुनी के अंदर. और यहाँ के तलबा इकराम ने खूब कोशिशें की और कोशिश करके इतने सारे वो अलग अलग अंदाज में इन्होंने प्रोजेक्ट बनाए. अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि जिन जिन तलबा ने कोशिशें की अल्लाह अपनी कोशिशें अपने बारगाह में कबूल फरमाए, इन तलबा के कुव्वत हाफिजा को मजबूत फरमाए और इन इदारे इनके सादातों से माला माल फरमाए. तो मैं दावत इस्लामी जामियतुल मदीना आधोनी फैजान शेख फरीद सूफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तरफ से मैं आप सभी तमाम हजरात को दिल से शुक्रगुजार हूँ आप लोग हमारे इस इवेंट में, इस प्रोग्राम में शामिल हुए और इस इवेंट को वंडरफुल बनाने के लिए. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी दावत इस्लामी का आगाज़ अब आलिम कोर्स दुनियावी तालीमात के साथ साथ, दीनी तालीमात के साथ साथ दुनियावी तालीमात में भी हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं. हमारे तलबाए किराम अगले 5-6 साल में जो है हमारे कॉर्पोरेट स्कूल्स हैं, कॉर्पोरेट कॉलेजेस हैं, तो इंशाल्लाह हमारे तलबाए किराम उनसे कंपैक्ट करेंगे. आप देख सकते हैं हमारे तलबाए किराम जो साइंस फेयर की एक्टिविटीज़ में जिस तरीके से हम लोग अब तक म्यूनिसिपल स्कूल में मनाते थे आधुनिक शहर में, तो पूरे स्कूल्स मिलकर मनाते थे. तो पहली बार जो है मदरसे के बच्चे दुनियावी तालीमात के साथ साथ दीनी तालीमात भी हासिल करते हुए मॉडर्न एजुकेशन का आगाज़ हमारी दावत इस्लामी तो हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह. तो हम लोग साइंस फेयर मनाए हैं, इसमें ना हर बच्चा जो है अलग अलग तरीके का साइंस की क्रिएटिविटी यहाँ पे बनाए हैं. कोई ड्यूसेबल ब्रिज मॉडल बनाया है, कोई वर्टिकल फार्मिंग बनाया है, कोई सेव अर्थ बोल के बनाया है और यहाँ पे ड्रिप इरीगेशन बनाया है. इस तरीके के 20+ प्रोजेक्ट्स यहाँ पे हमारे तलबाए किराम बनाए हैं और इसमें ना हमारे तलबाए किराम जो है 2-2 महीने से इसमें वर्क कर रहे थे. तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें खुद के पैसे से सेव करके और इसमें रातों रात रात तक इसमें मेहनत की है और एग्ज़ाम्स के साथ साथ होमवर्क के साथ साथ सब करते हुए बावजूद जो है एक्स्ट्रा टाइम देकर इसमें इन्होंने भरपूर मेहनतें करके आज इस प्रोग्राम को हम लोगों ने मुकम्मल किया. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. एक खेड़ा गाँव है, इनको है ना पानी की कमी और करेंट की कमी रहती है. इनको अब इनका सन सोलर सिस्टम चार्ज की वजह से पानी में ना जो पानी को खरीदने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोटर रहता, ये पानी को खरीदने के बाद ये वाटर टैंक रहता उसमें स्टार रहता पानी. खरीदने के बाद इनका इनको फार्म मतलब खेत में पानी सप्लाई करते, खेत में सप्लाई करते और घर में सप्लाई करते. इसमें मेन आओ क्या बोलते हैं, करेंट पानी कंपल्सरी होना है. अस्सलाम वालेकुम.